दिल्ली में तीन हत्याओं से सनसनी फैल गई है। दिल्ली में जो बड़ी खबर है हत्या की, वो आपको तफसील से बताते हैं। दिल्ली के किशनगढ़ इलाके में लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई है। तीन लोगों की हत्या हुई है। इलाके के एक घर से तीन लोगों के शव बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक किशनगढ़ में रहने वाले मिथिलेश, उनकी पत्नी सिया और बेटी नेहा की चाकुओं से गोदकर हत्या की गई है, जबकि बेटा सूरज इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना के बाद पुलिस टीम ने मौके का मुआयना किया और हमलावरों की तलाश तेज कर दी है। दिल्ली में यह बड़ी वारदात हुई है। एक घर से तीन शव बरामद हुए हैं। पति पत्नी और बेटी का शव बरामद हुआ है। वहीं बेटे के ऊपर भी वार है चाकू से, जिसकी हालत गंभीर है। लेकिन शक की जो सुई है वो बेटे पर जा रही है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शक की सुई बेटे की तरफ घूम रही है। तीन हत्या के पीछे आखिर वजह क्या है, किस वजह से इस हत्या को अंजाम दिया गया, पुलिस अब इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। किशनगढ़ इलाके में यह बड़ी वारदात हुई है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में खौफ है। पुलिस पहुंच चुकी है, तस्वीरें आप देख रहे हैं, और इस हत्या के पीछे की साजिश का पता लगाने की पुलिस कोशिश कर रही है। रोमान इस खबर पर और भी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोमान, क्या शक की सुई बेटे पर जा रही है, किस वजह से हत्या की है, क्या है पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल जांच अभी चल रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शुरुआती दौर में जो शक की सुई है वो बेटे की तरफ ही जा रही है। घटनाक्रम इस प्रकार है, जो पड़ोसी है उनका कहना है कि 4:30 बजे जो घर का बेटा सूरज है उसने बालकनी में आकर शोर मचाया कि हत्या कर दी गई है, चाकू से हमला किया गया है और मम्मी ने मुझे बचा लिया, जिसके बाद पड़ोसी घर पर पहुंचे। 5:20 पर PCR को कॉल की गई। पुलिस का कहना है कि 5:20 पर कॉल मिली थी कि झगड़े और चोरी की, लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तब वहां पर तीन लाशें मिली, मिथिलेश उनकी पत्नी और बेटी नेहा की, जबकि बेटा सूरज उसकी उंगली में कट लगा हुआ था। पुलिस का कहना है कि जांच में पता चला कि मिथिलेश के बेटे सूरज ने बालकनी से शोर जरूर मचाया था पड़ोसियों को, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था और पड़ोसियों को अंदर काफी देर तक उसने नहीं आने दिया, जिसके बाद पड़ोसी अंदर पहुंचे। तिजोरी में रखा हुआ पैसा पूरी तरह से सही है, हालांकि घर का थोड़ा सामान बिखरा हुआ है। इससे पहले भी सूरज के बारे में कहा जा रहा है, जो पड़ोसियों का कहना है कि उसका अपहरण हुआ था 3 साल पहले, लेकिन उसके बाद वो वापस आ गया था। सूरज है, यानी कि खुद परिवार का जो बेटा है वो शक के दायरे में है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।